हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड बीटीसी से रिलेटेड प्लस शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने कल इंटरव्यू देखा होगा जो यूपी के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी का अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा तो उन्होंने शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्लस उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जो डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए कुछ बातें कही, जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है कि मात्र बीटीसी और टीईटी उत्तीर्ण है तो कोई भी गारंटी नहीं है कि आप टीचर ही बनोगे, ठीक है। प्लस अभी कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, क्योंकि हम यूपीडीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, थोड़ा हम नीचे इधर हम देखते हैं, ठीक है, ई पेपर के माध्यम से। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि सरकार शिक्षक भर्ती में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक। उन्होंने साफ साफ मना किया कि जो भी शिक्षक भर्ती में जो भी देरी हो रही है, जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभी भी कोर्ट में ही है, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। प्लस उनसे जब पूछा गया, यानी 2017 बैच के प्रशिक्षुओं ने कुछ सवाल किया कि हमारे मतलब बहुत टाइम हो गया, हमने डीएलएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, टेट सीटेट सब कुछ हमारा पूरा हो गया, लेकिन अभी तक कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है, हम कब तक हम मतलब इंतज़ार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उन्होंने ये बोला कि मात्र यहाँ पे देख सकते हो कि प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, वहाँ से निर्णय आने के बाद ही भर्ती पूरी हो सकेगी और शिक्षकों की समय से भर्ती हो इसे लेकर अभ्यर्थियों से ज़्यादा सरकार को बहुत ज़्यादा चिंता है, इसमें देरी के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ ये बातें प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री, यानी आप सोच सकते हो जो स्वतंत्र प्रभार यानी डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ने ये बोला, और वह गुरुवार को, यानी अभी मैंने बताया कि हिंदुस्तान गोरखपुर की ओर से अनलॉक 3.0 के दौरान कोरोना काल में कैसे पढ़े बच्चे इस टॉपिक पर ई संवाद को आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की तकलीफ से वाकिफ है, पर सरकार के काम करने का अपना ही कुछ अलग पैमाना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तो फ्रेंड देखिए, इसी पे उन्होंने बोला कि 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जब उनसे बात पूछा गया या फिर कि नई शिक्षक भर्ती कब आएगी, तो उन्होंने साफ साफ यही बोला कि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती पूरा ये मामला बहुत ही अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता तब तक कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। और प्लस उन्होंने ये भी बोल दिया, क्योंकि 2017 डीएलएड प्रशिक्षकों का यही सवाल था, तो उन्होंने ये बोला कि मात्र डीएलएड कर लेने से या टीईटी कर लेने से या सीटेट कर लेने से ये क्या है, मात्र एलिजिबिलिटी है, शिक्षक अभी आप नहीं बने हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि अगर मोटिवेट नहीं कर सकते तो अनमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि ऐसे बहुत सारे डीएलएड छात्र हैं जो शिक्षक बनने के लिए ही डीएलएड या बीटीसी करते हैं, लेकिन अनमोटिवेट करना मतलब आप सभी की क्या राय है आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। प्लस देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक तिवारी, सुरेश वर्मा और अखिलेश कुमार ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से फिर से एक बारी मुलाकात की, ठीक है, जिनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले प्रस्ताव जो पीएनपी का यही कहना है कि हम सचिव यानी हम जो भी प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिए हैं, ठीक है, और जो भी निर्णय आएगा उसका पालन कराया जाएगा। उसके बाद देखिए संगठन के प्रदेश
अध्यक्ष द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि यदि प्रमोट मुझे मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि प्रदेश के अंदर कभी भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ सकती है और डीएलएड एवं पूर्व प्रचलित नाम बीटीसी 2018 बैच सत्र औपचारिक रूप से दिनांक 5 जुलाई 2020 को ही पूर्ण हो गया है। अब अगर प्रशिक्षण पूर्ण उपरांत भी हम आगामी प्राथमिकता में शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं होते तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो फ्रेंड्स, जो पीएनपी है वो भी अभी यही उनका यही कहना है कि हमने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने कल भी आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन दिया था कि जो पीएनपी है वो कह रही है कि जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा, शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है, इसमें जल्द ही निर्णय आएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जल्द तो हर बारी इसी तरीके से बोला जाता है, कब तक आता है। तो फ्रेंड्स, मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, 11 बजे वाली मैथ की क्लास है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।